असलम वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल होपफुली आप सब कैरियर से होंगे तो आज हम बनाएंगे स्टीम चिकन साथ में राइस बनाएंगे। तो बहुत ही मज़े का स्टीम चिकन है माशाल्लाह से आप लुक भी चेक कर चुके हैं तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को यहाँ पर मैं विनीगर ऐड कर रही हूँ एक प्याली पानी के अंदर और ये पानी मैंने अपने पास रख लिया है यहाँ पे हमारे पास जितने लेग पीसेस हैं हमने उनको कट लगाना है तीन से चार कुछ इस तरीके से हम इनको कट लगा लेंगे सभी पीसेस को हम कट इसी तरीके से लगा लेंगे आप देख सकते हैं इन सभी पीसेस को हमने इसी तरह कट लगा के विनीगर वाले पानी में ऐड करते जाना है सेकेंड बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिले आप बस इसी तरह हमने सारे पीसीस को कट लगाना है और वेनेगर वाले पानी में तकरीबन 10 मिनट के लिए रखना है उसके बाद हम करेंगे जी इनको बॉयल बॉयल करने के लिए हमने पानी ऑलरेडी रखा हुआ था दस मिनट गुजर चुके हैं वही हमने पीसीस उठा के पानी के अंदर डाल देने हैं और इनको तकरीबन हम तीन से चार मिनट के लिए इनको बॉयल करेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉयल क्यों कर रही हैं बॉयल करने का मेन मकसद ये है कि इसके अंदर जो ब्लड होता है चिकन के लेग पीसीस के अंदर अक्सर जब हम भी इसको बनाते हैं तो इसमें ब्लड नज़र आता है वो ड्राई हो जाएगा और आपके चिकन स्टीम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा इन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए रेसिपी को बनाएंगे तो यहाँ पे हम अब मसाला इसके लिए रेडी करते हैं उसके लिए जो चीज़ें चाहिए डेढ़ प्याली मैंने यहाँ पे दही लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला वन टीस्पून धनिया पाउडर वन टेबल स्पून यहाँ पर मैंने क्रश मिर्च ली है और साथ में रेड मिर्च ली है वन टेबल स्पून दोनों में ऐड कर रही हूँ नमक हंसपे ज़रूरत जितना कि हम लोग खाते हैं यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है अदरक लहसन का पेस्ट जाएगा इसमें दो टेबल स्पून क्योंकि हमारे पास लेग पीसीस हैं तो इसके हिसाब से हमने इसमें थोड़ा सा अदरक लहसन का पेस्ट कुछ ज़्यादा ऐड करना है यहाँ पे मैं दो टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ कलर फूड वन टी स्पून इसके साथ हमारे चिकन का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा वन टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है इन सभी मसालों को हम खुले बर्तन में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे चिकन पीसीस को कुछ इस तरीके से और इसको तकरीबन मैरिनेट के लिए आपने रखना है एक से दो घंटे के लिए मैंने ज़्यादा देर मैरिनेट के लिए नहीं रखा तो इसको मैं रखती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेट करती हूँ उसके साथ साथ मैं बना लूँगी जी चावल राइस और इसी तरह हमने इसको कोटिंग करनी है और इसको रख देना है तकरीबन एक से दो घंटे के लिए मैरिनेट के लिए तो फिर आपका स्टीम चिकन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा यहाँ पे मैं लेमन का ऐड कर रही हूँ तकरीबन दो से तीन अदद मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है अब हम बनाते हैं जी राइस राइस बनाने के लिए मैंने दरमियाने साइज़ का एक प्याज लिया है उसमें तकरीबन मैंने तीन से चार टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है इसको लाइट ब्राउन होने तक छोड़ते हैं फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं पानी ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ वन टेबल स्पून पुलाव मसाला है और साथ में गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ सबत गर्म मसाला वो इसके अंदर जाएगा इससे आपके राइस का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा यहाँ पे मैंने हंसपे ज़रूरत नमक ऐड किया है अच्छे तरीके से हम मसाले को मिक्स करेंगे अब हम इसके अंदर पानी लगाएंगे तकरीबन मैंने दो गिलास चावल लिए थे और उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है दो गिलास चावल के पीछे मैंने ढाई गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि चावल को भीगे हुए काफ़ी देर हो चुकी थी तो इसलिए ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना उसी हिसाब से हमने पानी को ऐड किया है और हमारे चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे तो यहाँ पे हम स्टीम पे रखते हैं आप देख सकते हैं चावल थोड़ा सा पानी ड्राई होगा तो इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी कि देखने में चावल जो हैं वो अच्छे लगे तो यहाँ पे हम इसको स्टीम के लिए रखते हैं वहाँ पे हम बनाते हैं जी अपना स्टीम लेग पीस तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए खुले बर्तन में मैंने पानी रखा हुआ है अगर आपके पास इस तरह का स्टीम वाला स्टैंड है तो वेल एंड गुड है इसके साथ आपका जो स्टीम चिकन है वो बहुत अच्छा बनेगा यहाँ पे मैं बटर पेपर ऐड कर रही हूँ इसका भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये बटर पेपर क्यों लगाया हम ऐसे भी स्टीम कर सकते हैं लेकिन बटर पेपर लगाने से हमारे चिकन का जो मसाला है वो वेस्ट नहीं होगा उसके ऊपर से चिकन का मसाला उतरेगा नहीं तो इसलिए मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगाया अगर आप इसी तरीके से स्टीम चिकन या स्टीम लेग पीस बनाएंगे तो इनशाला आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा यहाँ पे मैंने नाइफ़ की मदद से छुरी की मदद से थोड़े थोड़े सुराख कर दिए हैं बटर पेपर को इससे ये होगा कि हमारे चिकन को अच्छे से स्टीम मिलेगी तो यहाँ पे हम लेग पीस ऐड करते हैं इसी तरीके से हमने सारे लेग पीसेस रख देने हैं और बाकी का मसाला जो इसका बच जाएगा आपने इसी तरीके से इसके ऊपर लगा देना है उसको वेस्ट नहीं करना इसके साथ हमारा जो स्टीम चिकन है वो बहुत अच्छा बनेगा यहाँ पे मेरे पास ड्राई धनिया है खुश्क धनिया और साथ में तिल है तो तिल ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं इसके ऊपर अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं इसके साथ हमारा जो चिकन स्टीम है वो बहुत अच्छा टेस्ट के साथ साथ दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें लेग पीसीस की आप लुक चेक करें मैंने एक तरफ धनिया डाला है और एक तरफ मैंने तिल ऐड किए हैं स्प्रिंकल किए हैं उनके ऊपर अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताती हूँ ये मैंने बटर पेपर ऊपर क्यों रखा मैंने ऊपर भी रखा है और नीचे भी रखा है स्टीम करने के लिए आपने लो फ्लेम पे रखना है आप देख सकते हैं जैसे ही चिकन स्टीम होगा ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ये जो बबल्स आते हैं इसका पानी जो गिरता है चिकन के ऊपर तो हमारे चिकन के ऊपर जितनी भी हम हमने मसाले की कोटिंग की होती है वो उतर जाती है इस पानी की वजह से तो इसलिए ये पानी बटर पेपर के ऊपर रहेगा और हमारा जो चिकन है आप देख सकते हैं उसका मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं यहाँ पे मैं बताती चल मैंने तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम किया था कुछ ज़्यादा स्टीम नहीं करना क्योंकि हमारा चिकन जो है ऑलरेडी बॉयल था यहाँ पे हम चावल ऐड करते हैं और साथ में आपको फाइनल लुक दिखाते हैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप रेसिपीज को शेयर करूँ तो माशाल्लाह से आप फाइनल लुक देख सकते हैं बहुत ही अच्छा चिकन बना है तो आपने भी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है आप देख सकते हैं मैंने इसको कुछ ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं किया था अगर आप इसको कुछ ज़्यादा देर मैरिनेट करें तो इससे भी अच्छा आपका स्टीम चिकन बन सकता है माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अब हम इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसा बना है मैंने दही वाली ग्रीन चटनी ऑलरेडी बना के रखी हुई थी साथ में सलाद तो मुझे दें इजाज़त मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़